गाइस वेलकम टू स्टडी जोन। आज का जो टॉपिक है वो इम्यूनोग्लोबुलिन। ओके, तो इम्यूनोग्लोबुलिन से हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। ओके, मैं शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ IMG। ओके, उनके टाइप कितने हैं? तो उनके पांच टाइप है। वो कैसे याद रखे टाइप कितने हैं? तो क्या पांच टाइप इनके IMG इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप कितने हैं? तो क्या पांच टाइप। तो उनको कैसे याद रखे? ओके, तो उनके लिए एक टीक है, गेम्ड याद रखो, GAMED गेम्ड। गेम से आपको पता चल जाएगा इनके कितने टाइप है, पांच। ओके, तो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। आपको यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिखना GAMED गेम, GAMED। ओके, इससे आपको पता चल जाएगा इनके पांच टाइप है, कौन कौन से जो IG और इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन डी। ओके, इनके कितने टाइप है, पांच। क्या है? गेम। ओके, इतना सिंपल है। इम्यूनोग्लोबुलिन कितने टाइप है, पांच। कितने हैं? गेम। इम्यूनोग्लोबुलिन कितने हैं, पांच। कितने टाइप है? गेम। ओके, बस इतना सिंपल है। और कौन कौन से है अब देखते हैं, क्या क्या होता है देखते हैं। ओके, तो इम्यूनोग्लोबुलिन में जी क्या आएगा? तो वो सबसे जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी है वो सबसे क्रोनिक है। तो वो कैसे याद रखे? गणेश चतुर्थी जो हमारा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, उनके हिसाब से हम रख सकते हैं। गणपति बाप्पा मोरिया, बोलो जोर से, गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, बस ऐसे हम याद रख सकते हैं। और लार्ज नंबर ऑफ जो होते हैं ना इम्यूनोग्लोबुलिन, मीन 75% इन अ लार्ज नंबर। ओके, लार्ज नंबर ये होते हैं, गणपति बाप्पा मौर्य, गणेश चतुर्थी क्रोनिक। ओके, उनके हिसाब से याद रह जाए 75 लार्ज नंबर। ओके, बड़े बड़े गणपति बाप्पा लार्ज नंबर। ओके, बस इम्यूनोग्लोबुलिन ए हो गया। अब बारी है इम्यूनोग्लोबुलिन ए। तो ए से क्या आएगा क्वेश्चन? तो कुछ नहीं। आपको ABCD मूवी देखा है, ABCD डांस वाला? ओके, तो इसमें कुछ नहीं है, ऐसे सिर्फ हमेशा बी आता है। ए के बाद क्या आता है? बी। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। अरे क्या बॉल यार, बी में से दो कौन कौन सी जगह पे प्रेजेंट होता है? ब्रेस्ट मिल्क और ब्लड, ब्रेस्ट मिल्क और ब्लड, इतना सिंपल है। ओके, अब देखते हैं IgM वो क्या है, चलो देखते हैं अब। ओके, जब इन्फेक्शन होता है सबसे पहले जो एंटीबॉडी काम करता है वो कौन सा है? ये IgM है। फर्स्ट एंटीबॉडी डिटेक्ट आफ्टर इन्फेक्शन, क्या है? फर्स्ट एंटीबॉडी डिटेक्ट आफ्टर इन्फेक्शन, आप लिख लो, फर्स्ट एंटीबॉडी डिटेक्ट आफ्टर इन्फेक्शन। ओके, फर्स्ट एंटीबॉडी डिटेक्ट आफ्टर इन्फेक्शन IgM। ओके, और सबसे बड़े बड़े होते हैं वो IgM होते हैं। कैसे याद रखे? M से मोटा, M है मोटा, M से मोटा मींस बड़े बड़े, सबसे बड़े मींस लार्ज इन साइज। बस इतना सिंपल है, लार्ज इन साइज। ओके, अब बारी है IgE। IgE खासकर जो मींस क्या बोलो, जब आपको डस्ट उठती है, डस्ट की कोई प्रॉब्लम रहती, एलर्जिक कंडीशन होती, तब IgE। कौन सी एलर्जिक कंडीशन? बाद में आपको सेट्रिजिन टेबलेट लेनी पड़ती है, सेट्रिजिन से नींद ज्यादा आती है, तब काम करता है IgE। अब बारी है IgD। तो IgD क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ बीटा लिम्फोसाइट। ओके, मैं भी अभी पढ़ाता हुआ। IgD क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, बस इतना सिंपल है। ओके, प्लीज मेरे दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए, और बहुत अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, और नीचे रहा जो घंटा है ना वो भी दबा दीजिए। ओके, लाइक करने में आपका कोई पैसे नहीं जाता है, बिल्कुल फ्री में है। अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, प्लीज लाइक कर दीजिए।